कि संसार में कौन है ऐसा कि जिसका कोई गुरु नहीं है, निगुरे कोई नहीं है। उस पर भी जिसका जन्म भारत में है, जिस दिन भारत में इंसान का जन्म होता है वो उसी दिन उसी सेकंड रामायण का शिष्य होता है, भागवत का शिष्य होता है, गीता का शिष्य होता है, वेदों का शिष्य होता है। निगुरा वो है जो शास्त्रों के विमुख है, हो सकता है कोई संत न हो आपके जीवन में, कोई गुरु न हो, लेकिन शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार, गीता की आज्ञा के अनुसार, रामचरितमानस की आज्ञा के अनुसार, भागवत की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र सम्मुख जिसका व्यवहार है वो गुरुमुखी है। भारत में निगुरे रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तलाश कैसे करने पड़ेगी गुरु की, क्योंकि भारत में निगुरे रहने की कोई व्यवस्था नहीं। जगत में जो आ गए, संसार में जो आ गया, उसके ऊपर आकाश है, है, है। संसार में जन्म के बाद, जगत में आने के बाद आपको आकाश की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। आस्तिक नास्तिक जो आया वो सूर्य प्रकाश में है, वो आकाश के छत के नीचे है। ठीक उसी प्रकार भारत में जब जन्म होता है उसी सेकंड आप गुरु की कृपा की छांव में होते हैं, ठीक आकाश की तरह वो आपके ऊपर। तो सब वेदों के, शास्त्रों के, रामचरितमानस के, श्रीमद् भागवत के शिष्य है, फिर भी निगुरा वो है जो शास्त्रों के विमुख है। ऋषिमुनियों ने क्या कहा है, शास्त्रों ने क्या कहा है, उसको जानते नहीं है और जानना चाहते भी नहीं है। निगुरे वो है जो शास्त्रों के विमुख है। शास्त्रों के सम्मुख जो लोग रहेंगे एक ना एक दिन उसी को प्रत्यक्ष में कोई समर्थ मिलता है, और प्रत्यक्ष में समर्थ मिला उसको आप तभी पी सकोगे यदि आप शास्त्र के सम्मुख रहे। वरना कोई समर्थ मिलेगा, प्रत्यक्ष में कोई गुरु मिलेगा, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते। गुरु पीने की चीज होती है, गुरुत्व पीने की चीज है, उस प्रवाह को पी सकते हैं। गुरु को पीने वाला शिष्य एक दिन भीतर से गुरु बन जाता है, और भीतर से जो गुरु बन गया, जब कोई परिपक्व फल होता है तो वो पेड़ से अलग होता है, और पेड़ से अलग होकर भी वो अलग नहीं होता। परिपक्व फल जब गिर गया तो उससे कोई तृप्त हो सकते हैं, भूख मिटती है किसी की, और उसका जो बीज है उसको फिर लगा दो तो फिर दूसरा पेड़ तैयार हो जाएगा, दूसरा पोता। उसका बीज जब लगाओगे और बीज बोने के बाद जब दूसरा पेड़ उगेगा, दूसरा पेड़ लगेगा, और उस पेड़ में जब हजारों फल लगेंगे तब ये जो बात है वो आपके लिए प्रत्यक्ष और प्रमाणभूत हो जाएगी कि वो पेड़ से दूर होकर भी पेड़ में लगा हुआ था। जो परिपक्व नहीं है, जो कच्चा फल है, वो गिर गया तो कच्चा फल गिरने के बाद उससे दूसरा पेड़ नहीं बनता। परिपक्व फल यदि गिरा है पेड़ से
तो वो गिरकर भी गिरा नहीं है। कोई भी गुरुनिष्ठ व्यक्ति बहुत गिरा हुआ आपको नजर आएगा। गिरा हुआ मतलब नम्र, इतना भी नम्र होगा वो कहेगा मैं कुछ नहीं हूं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमारे में कोई विद्या नहीं है, सिद्धि नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, हम कुछ नहीं है। वो बहुत गिरा हुआ पाता है अपने आप को, क्योंकि वो बहुत उठा हुआ होता है। संसार जिसको गिराता है वो कभी उठ नहीं सकता, ऐसा गिराता है। और गुरुत्व जिसको गिराता है उसको दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। सब गुरुमुखी है। प्रत्यक्ष में जो है, प्रत्यक्ष में जो कोई समर्थ मिला एक, उसका पूरा पूरा लाभ आप तब ले सकते हैं। उस प्रत्यक्ष समर्थ को आप तब अपने जीवन में ले सकते हैं, पी सकते हैं और हजम कर सकते हैं। एक तो गुरु मिलता नहीं है, मिलता है तो आप उसको पी सकते नहीं है, और यदि पी सकते हैं तो आप हजम नहीं कर। गुरु तत्व को, गुरु के सानिध्य को, गुरु की दिव्यता को हजम करने के लिए, हजम करने के लिए क्या करना पड़ता है? चूर्ण लेते ना आप लोग, भोजन हजम करना है तो क्या करोगे? चूर्ण। गुरुत्व जो है, गुरु की जो प्रतिभा है, गुरु की जो दिव्यता है, उसको आप पी सको, और पीने के बाद उस प्रवाह को, उस पारे को हजम कर सको। इसके लिए चूर्ण भी है, तो गुरु के वचन चूर्ण है। अमिया मूरी मय चूरण चारु, 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 समन सकल भव रुज परिवार, 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 अमिया मूरी मय चूरण चारु, अमिया मूरी मय चूरण चारु, चूरण चारु, चूरण चारु, चूरण चारु, चूरण चारु। तो प्रत्यक्ष में कोई समर्थ मिला उसको एक आप समझ सको, दूसरा उसको उनकी दिव्यता को, उनकी अलौकिकता को, उनके तेज को पी सको, और पीने के बाद उसके तेज को हजम कर सको। या तो पहचान नहीं होती, पहचान होती है तो लोग पी नहीं सकते, सानिध्य से डरते हैं, पी नहीं सकते। ये धुनी जो जलती है, उस धुनी के सानिध्य में खड़ा रहना शायद आसान है, लेकिन गुरु एक ऐसी धुनी होती है कि उसका सानिध्य उससे भी ज्यादा, उसको पी नहीं सकते। और कोई पी लेते हैं तो हजम नहीं करते, और हजम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप स्वयं को गुरु समझने लगेंगे कि हम भी कम नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ इसमें, शायद आप कोई दूसरा स्थान बना सकते हैं, पैसों के बल पर कोई दूसरा आश्रम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जिसने गुरु को हजम नहीं किया वो उस गुरुत्व का, उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते।
कुछ बना भी लोगे तो बनाने के बाद जो बनाया वो बोझ बन जाएगा। भूकंप जब होता है तब लोग कैसे मरते हैं? भूकंप में आपकी बनाई इमारत आपके ऊपर गिरती है, उसमें लोग दब जाते हैं, उसमें मर जाते हैं। तो आपकी उपलब्धियां आपके लिए बोझ बन जाती हैं, क्योंकि आपने पचाया नहीं है, हजम नहीं किया है। इसमें पहचान हुई, फिर पिया, और फिर जब पचाया तो फिर भीतर से शिष्य जो है वो शिष्य नहीं रहेगा, गुरु बन जाएगा। और भीतर से जब गुरु बन गया तो फल परिपक्व हो गया, और परिपक्व फल जो है वो प्रत्यक्ष पेड़ से गिरकर दूर होता है और संसार की तृप्ति का कारण बनता है। और फिर उसी के बीज को लगा दो तो फिर पेड़ तैयार होता है, उसमें हजारों फल लग जाते हैं। इसको परिपक्वता कहते हैं।